हेलो एवरीवन वेलकम टू यूनिक एकेडमी डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है आज हम देखेंगे 20 अगस्त 2020 के प्रमुख करंट अफेयर्स तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले है कौन सा राज्य महिला सशक्तिकरण के लिए अरोडो दोई जिसे दोई भी कहते हैं तो ये योजना है वो शुरू करेगा तो ये राज्य है असम असम करेगा महिलाओं के लिए महिला सशक्तिकरण के लिए दोई योजना इस योजना में जो गरीब महिलाएं होंगी उनको आठ रुपए की वित्तीय सहायता प्राप्त होगी और इस योजना से लगभग असम की 17 लाख महिलाओं को लाभ होगा इसके अलावा असम में अरुंधति अरुंधति योजना भी चल रही है अरुंधति योजना क्या थी जो गरीब महिलाएँ गरीब दुल्हने थीं गरीब परिवार के उनको सोना दिया जा रहा था धनमंत्री योजना भी असम की सरकार चला रही है इसमें दवाइयाँ वगैरह दी जा रही थीं उत्तराण योजना भी चल रही है वहाँ पर और अभिनंदन योजना भी चलाई जा रही है अभिनंदन योजना क्या थी जो बच्चे हैं उनको शिक्षा लेनी है तो उनको एजुकेशन लोन मिलेगा और उसमें फिर सब्सिडी भी दी जाएगी असम की सरकार ज्ञानदीप का योजना भी चला रही है असम का नृत्य आपको पता होगा बिहू प्रम, प्रमुख नृत्य है इसके अलावा सतरीय नृत्य भी असम में किया जाता है ठीक है एक मंदिर है असम के गुवाहाटी में मैंने बताया था पिछले वीडियो में कामाख्या देवी मंदिर तो वहाँ पर अम्बुबाची का मेला भी लगता है सर सी है सर्वानंद सोनोवाल और गवर्नर हैं जगदीश मुखी अगला देखते हैं विश्व अंगदान दिवस कब मनाया गया तो विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है तेरह अगस्त को और इसका उद्देश्य क्या है जो अंगदान है उसको बढ़ावा देने के लिए इसको प्रत्येक वर्ष मनाते हैं अगला देखते हैं कौन सा मंत्रालय पंद्रह अगस्त से दो अक्टूबर तक फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन करेगा तो एक आयोजन करेगा खेल मंत्रालय हमारे खेल मंत्री कौन है किरण रिजिजू हैं ठीक है अगला देखते हैं इजराइल और किस अरब देश ने ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए तो इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात ने दोनों ने ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए यू अब संयुक्त अरब अमीरात को यू भी बोलते हैं यूनाइटेड अरब अमीरात और इसकी राजधानी है अबूधाबी और मुद्रा है दरहम इसके अलावा इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम और करेंसी है इजराइली न्यू सकेल इजराइल ने अभी एक सैटेलाइट भी छोड़ी थी जिसका नाम था ऑफेक ओ एफ ई के सिक्सटीन ठीक है अगला देखते हैं भारतीय तटरक्षक जहाज के चौथे गश्त लगाने वाले जहाज का नाम क्या है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया तो एक सार्थक नाम का जहाज़ है जिसको हाल ही में भारतीय तटरक्षक जहाज के चौथे गश्त लगाने वाले जहाज के रूप में लॉन्च किया गया है और सार्थक जो जहाज़ है उसे गोवा सिप लिमिटेड ने बनाया है ठीक है भारतीय तटरक्षक जो बल है उसकी स्थापना कब हुई थी एक फरवरी को तो इसलिए एक फरवरी के दिन भारतीय तटरक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं और आप एक महिला का नाम याद रखिए नूपुर कुलश्रेष्ठ जो पहली महिला हैं जो डी के पद पर गई थी इंडियन कोस्ट गार्ड में यानी भारतीय तटरक्षक सेवा में और भारतीय तटरक्षक के महानिदेशक हैं के नटराजन ठीक है अगला देखते हैं नौसेना ऑपरेशन के महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है तो ये है दिनेश के त्रिपाठी इनको नौसेना ऑपरेशन के पदभार का पदभार इनको मिला है ठीक है ना और भारतीय नौसेना के अध्यक्ष कौन है बाईस एडमिरल करम करमवीर सिंह अगला देखते हैं किस देश ने अपने उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो टू का सफल परीक्षण किया है तो ये इजराइल ने किया है इसके अलावा भारत ने भी तीन मिसाइलें बनाई हैं कौन कौन सी एक तो है ध्रुव अस्त्र ध्रुव अस्त्र क्या थी जो टैंक थे उनको समाप्त करने के लिए तो इसको डी ने बनाया था एक और डी आई डी नहीं बनाई थी उसका नाम था पनास प्रनास इसकी मारक क्षमता 200 किलोमीटर थी और तीसरी मिसाइल जो है वो है खदान तक जिसकी मारक क्षमता है एक किलोमीटर ठीक है इसके अलावा आई कलिंग नाम का जहाज़ भी बनाया जा रहा है तो ये सब चीज़ें याद रखिए अगला देखते हैं किस राज्य में मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई स्थापित करने की योजना घोषणा की गई तो ये कर्नाटक राज्य है जहाँ पर मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई स्थापित की जाएगी कर्नाटक ने कोरोना वॉच भी ऐप मोबाइल ऐप लॉन्च किया था मेघदूत संदेश ऐप भी लॉन्च किया था और अफ्था मित्र ये तीनों ऐप कर्नाटक की सरकार ने लॉन्च किए थे अगला देखते हैं अवर ओनली होम ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड तो ये पुस्तक लिखी गई है एक किसके द्वारा लिखी गई दलाई लामा ठीक है ना तो ये याद रखिए वेरी इम्पोर्टेंट बुक है अगला देखते हैं राजीव त्यागी जिनका हाल ही में निधन हो गया किस राजनीतिक पार्टी से थे तो राजीव त्यागी जो थे कांग्रेस के थे कांग्रेस के स्पीकर थे ठीक है ना प्रवक्ता तो इनका निधन हो गया इसके अलावा आप लोग समाजवादी पार्टी के एक नेता थे बहुत ही गद्दावर नेता थे अमर सिंह जिनका भी निधन हो गया चीज़ें याद रखिए अगला देखते हैं कोरोना वैक्सीन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह का गठन केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में किया तो यह डॉक्टर वी के पॉल डॉक्टर बी बी के पॉल की अध्यक्षता में राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह मतलब एक कमेटी बनाई गई है जो कोरोना वैक्सीन पर जांच करेगी या उस पर सलाह देगी डॉक्टर बी के पॉल कौन है ये नीति आयोग के मेंबर्स हैं अगला देखते हैं किस बीमा कंपनी ने बंद हो चुकी बीमा पॉलिसी को फिर से शुरू करने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है तो यह है एल आई सी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया देखिए अगर कोई बीमा करता है और वो अपना प्रीमियम नहीं भर पाता समय पर तो क्या होता था उसकी पॉलिसी बंद हो जाती थी लेकिन एल आई सी ने फिर से इसको रिवाइवल किया है यानी आप फिर से उसको शुरू कर सकते हैं अपनी पॉलिसी को फिर से भरना शुरू कर सकते हैं ठीक है तो ये था हमारा बीस अगस्त का वीडियो आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा मेरे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए थैंक यू फॉर वॉचिंग यूनिक अकेडमी